बस्ती के गौर बिरोपुर प्रकरण के शालिनी यादव मामले में आया नया मोड़। बीते कुछ दिनों पूर्व बस्ती जिले में गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें लड़की की मौत हो गई थी। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। गैंगरेप के मुख्य आरोपी कुंदन सिंह की मां मंजू सिंह ने आज SP गोपाल कृष्ण चौधरी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। मंजू सिंह ने प्रार्थना पत्र में कहा कि हमारे लड़के कुंदन सिंह को कुछ लोगों द्वारा साजिश कर मामले में मुलजिम बना दिया गया है। प्रस्तुत घटना दिनांक 5 जून 2023 को समय 4 बजे शाम की बताई जा रही है। उस दिन हमारा लड़का कुंदन सिंह आवास विकास कॉलोनी जनपद बस्ती में अपने किराए के मकान पर मौजूद था। पीड़िता का कहना था कि वह दिन के 1:30 से 2 बजे के बीच अपने व्यक्तिगत कार्य से गोरखपुर चली गई थी, परंतु उसका लड़का बाहर छोड़कर दोबारा फिर घर के अंदर चला गया और देर शाम तक घर के अंदर आवास विकास किराए के मकान पर था। मैं नील श्रीवास्तव की किराएदार हूं। घटना के दिन 5 जून 2023 को दिन में 1 बजे से देर शाम तक CCTV फुटेज मकान मालिक के पास मौजूद है, जो पुलिस को देने के लिए तैयार है। घर के बच्चों को हमारे देखना घुसा गया है। किस मामले में? वो जो हमारे घर पे कांड हुआ। क्या कांड हुआ? वो लड़की पूरा बताइए ना। जब सर वो कांड हुआ तो हम वहाँ आवास विकास कॉलोनी पर जाते थे, वहाँ हमारा सीसी कमरे का फोटेज है, उसको आजाद करवा सकते हैं सर, और उनका मोबाइल का लोकेशन करवा सकते हैं सर। किस मामले में जो रेप कांड हुआ उसमें आपके बच्चे का नाम? हाँ, लगा जी सर, उसे बीघना लोग फंसाए जा रहे हैं। तो जिस घर का जो प्रयोग हुआ है, आखिर में कैसे वहाँ पे लोग पहुँचे? सर वो चाबी हम दिए थे, जो हमारा नौकर था। किसको दिए थे? नौकर को, सफाई करने वाले के। नौकर का क्या नाम है? मोनू। हाँ, क्या हुआ फिर सर? उसके बाद हमको जा करके कुछ पता नहीं चला सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।